આજે જ્યારે સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના વાયરસને કારણે મહામારી સર્જાય છે ત્યારે સ્વામી વિજ્ઞાનંદજી મહારાજ દ્વારા દિવ્યાંગ બાળકોને કેટલીક કોરોના વાયરસને લઈને કેટલાક સાવચેતીના પગલા સૂચવ્યા હતા અને તેમને આશીર્વાદ આપ્યા હતા. પરમ સન્માનીય, પરમ આદરણીય પદ્મશ્રી માનનીય કન્નુભાઈજીકું નમન કરતા હું. દિવ્યાંગ ડિસેબલ વેલફેર ટ્રસ્ટ કે અધ્યક્ષ મહોદય, અમારી રચના બહેન કો મેં બહુ બહુ આશીર્વાદ દેતા હું. એમ સભી સમિત કો અરે બચ્ચો કો તો હૃદય મેં પ્યાર કરતા હું. હૃદય રૂપી બચ્ચે તો મેરા ઇનકો ક્યા વર્ણન કરું, ઇનકે બારે મેં કુછ વર્ણન કરી નહીં પાતા હું. આજ અચાનક આપ બચ્ચો કો લેકર પહોંચ ગયે. મેં વાસ્તવિકતા હવન કરકે ઉઠાઈ થા, અચાનક ફોન દેખા, મેને ભી એસે કહા કહા બચ્ચી બોલી, અભી મેં આપકે ગેટ મેં પહોંચ રહા હું. આશ્ચર્ય માન ગયા, મેં તુરંત બહાર આયા દેખા. બડી વો પ્રસન્નતા કે વર્ણન નહીં કર પાતા હું. મેં અંદર સે ઇતના ભાવુક હો ચુકા કે મેં વર્ણન કરને કે લિયે હિંમત નહીં કર પા રહા હું. કૈસે કિસ શબ્દ સે, કિસ પ્રેમ સે, કિસ વ્યવહાર સે હમ આપ લોકો કા વર્ણન કરે યહી સમજ મેં નહીં આ રહા મેરે. ઓર રહી બાત યે જો કોરોના કી કહાની ચલ રહી હૈ આજ દેશ મેં, તો ગુજરાત મેં તો આઈ ગઈ નહીં. પહેલી બાત તો યે હૈ ગુજરાત કે અંદર આના નહીં હૈ, ઓર ઉસમે ભી ગુજરાત મેં સુરત મેં નહીં આના હૈ, ઓર ઉસમે ભી બચ્ચો કે પ્રતિ તો કભી ભી આપકે સંસ્થા મેં તો કભી એક મક્ખી ભી નહીં મરેગી. ये तो बच्चों को तो असर पड़ेगा ही नहीं, ये बात ध्यान रखना. किसी भी तरह से जिस राष्ट्र का राजा स्वयं धर्मात्मा हो, उस राष्ट्र में आपदा विपदा आ ही नहीं सकती है. पहली बात तो ये है, आज जिस राष्ट्र के राजा के साथ पूरा संपूर्ण राष्ट्र हो, चाहे वो धार्मिक हो, धर्म से जुड़े हो, राजनीति से जुड़े हों, व्यापार से जुड़े हों, ये संस्थाओं से संगठनों से जुड़े हों, हर एक छोटा बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक आज राष्ट्रीय राजा के साथ जुड़े हैं. हम तो हृदय रूपी जुड़े हैं. तो ऐसे राजा के रहते कभी भी कोई दुखी हो ही नहीं सकता. वो तो दूसरे दूसरे देशों को सलाह दे करके सुरक्षा दे रहे हैं. अपने देश की सुरक्षा वो स्वयं भगवती उनकी करती है, जिनके वो प्रेमी हैं. इसलिए राष्ट्र में किसी भी तरह से आपदा विपदा नहीं आएगी, और ख़ासतौर से गुजरात में तो बिल्कुल प्रवेश नहीं करेगी. छुटपुट कहीं यदि आवाजें हैं तो वो कोई अफवाहें हैं, उसको हम कुछ मानते नहीं हैं. और आप लोग किसी भी तरह से, खासतौर से बच्चों, डरना ही नहीं. कुछ नहीं होना है, ना कुछ है, ना कोरोना है, ना फरोना. ये हवा हो गई ना, जैसे कहते बोले वो हाथी आई, हाथी आई, तो हाथी को देखने के लिए लोग दौड़ते हैं. बस कहानी बन गई है, कुछ नहीं है देश में, कुछ नहीं है. हमारे देश में वैसे भी ताप है, गर्मी है. ये अमेरिका लंदन थोड़ा हुआ कि वहाँ ठंडी से मर रहे लोग. ये देश में हमारे वैसे भगवान सूर्य स्वयं रक्षा करते हैं.
जिसकी रक्षा स्वयं नारायण करे उसका कौन क्या कर सकता है। अरे हिंदुस्तान हमारा तो धर्म का स्थान है, और धर्म के स्थान में कभी भी आपदा विपदा नहीं आ सकती है, और ये सिर्फ नाम मात्र का है, किसी भी तरह से किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और हम खास तौर से आप लोगों को तो कह ही रहा हूँ, अब आप लोगों के साथ तो हम जुड़े हैं, यदि कुछ कोरोना फोरोना यदि आता भी है तो उसका पहले मैं अपने ऊपर ले लूँगा, फिर तुम लोगों की साइड जाने दूँगा, इसकी चिंता मत करो तुम लोग, ठीक है। जय श्री राम। परम आदरणीय परम सद्य मेरे संस्था के दिव्यांग बच्चों की स्कूल के मैंने मनोमन जिसको चेयरमैन माना है उसको गुरु गादी मानता हूँ कि मेरा गुरु है। मैं कम से कम 10-15 साल से गुरु जी के साथ जोड़ा हुआ हूँ। मेरी कोई भी संकट होता है तो मैं इमीडिएट उनको बताऊँ या ना बताऊँ वो खुद ही स्वयं मेरे पास आ जाते हैं। बोलते हैं कनू टेलर के पीछे किसका हाथ है, पीछे कौन खड़ा है, तो मैं सबसे पहला बोल देता हूँ मेरे साथ गुरु जी विद्यानंद जी महाराज स्वयं मेरे पीछे रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। बहुत दिनों से स्कूल में आने का सौभाग्य नहीं मिल पाता था, आज से कोरोना की सरकार ने 15 दिन की छुट्टी दे दी है, तो मेरी रचना बेन ने बोला कि बच्चे अब भी जा रहे हैं, कल से स्कूल बंद हो रही है, तो अपने को पहले गुरुजी के पास ले जाना चाहिए। मैंने कहा पहले बता दो ना बेटा, बोले बताने में जो उमंग होता है वहाँ बिना बताए जाएंगे, गुरुजी को सरप्राइज होगी कि नहीं ये मेरा बच्चा है, तो ये मान के वो फटाफट वो उसका हवन में से भी खड़ा होकर बच्चे के पास आ जाएंगे। ऐसे भी मेरे बच्चों के लिए गुरुजी को कुछ मुझे काम करवाना हो, कुछ कहना हो तो मैं बच्चों का नाम बोल दूँ तो गुरुजी ऑटोमेटिक पिघल जाते हैं, बोले बच्चों का काम है ना, चलो कनु भाई मैं कर देता हूँ। ऐसे नाजुक संवेदनशील जैसे मेरे गुरु हैं, तो आज रचना बेन ने गुरुजी के पास जो बच्चे आए थे उसका दर्शन करवाया, आशीर्वाद दिलाया, इसके लिए कि कोरोना से सब लोग डरते हैं, पर जब गुरुजी मेरे बच्चों को आशीर्वाद देते तो नई ताकत आती है, नया विश्वास आता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ऐसे परम सत्य मेरे गुरुजी को मिल के हृदय से मैं उनको वंदन करता हूँ, और मेरी स्कूल चलाने में गुरुजी का सिंह योग है, ये सिंह जैसे मेरे साथ रहे हुए हैं, और मेरे को बोलते हैं कि कनू भाई मैं आज जीवन तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, आपके पर मैं जिंदा हूँ तब तक कोई भी प्रकार की कभी मुश्किली नहीं आएगी, चाहे कितना भी बलवान हो वो आपके पास आएगा, बच्चों को देखेंगे वो एकदम नाजुक हो जाएगा, और आपका कोई काम रुकेगा नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे सद्य गुरु जी को दर्शन करने से स्कूल में पतित पावन पगला हर महीने उसका आता है, पर ये दफ़े गुरु जी का 2 महीना हो गया तो रचना मैन ने बोला कि पप्पा अपने चलो पहले गुरु जी के पास, गुरु जी खड़ा हो जाएंगे बोले, अने सही अर्थ में गुरु जी बहुत खुश हो जाते हैं, भले गुरु जी पहलवान है पर बच्चों को देखते हैं ना तो उनका दिल एकदम नाजुक हो जाता है, उनकी आँखों में आंसू आ जाता है, बहुत संवेदनशील आदमी है, बच्चों को मिलते हैं तब गुरु जी का दर्शन करना सब के लिए ये सौभाग्य होते हैं, और गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि सब बच्चों को और गुजरात के लिए आशीर्वाद दिया, गुजरात में किसी को कोरोना नहीं होएगा तो 110% बात है नहीं होएगा, गुरु जी जो बोलते हैं वो ही होते हैं। मैंने मेरे 15 साल में मैंने जीवन में अनुभव किया है, एक बार गुरु जी बोल देते हैं वो ब्रह्मांड की लकीर हो जाते हैं। ऐसे गुरु जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ,
और बच्चों को आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और सभी दर्शकों को भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी समस्या होए आपकी तो मेरे गुरुजी के पास आइए, आपके समस्या का समाधान गुरुजी कर देते हैं। उसके पास मालूम नहीं है क्या है ये मुझे नहीं मालूम है, पर उनके बोले ले शब्द सही अर्थ में सच्चे पड़ते हैं। फिर से मैं गुरुजी को वंदन करता हूँ और सबको वंदन करता हूँ।